तो मैं BMW GS पर मैं आपको दिखाऊंगा दो बाइक से हुआ था और इसमें काफी सारी चीजें एड ऑन हो चुकी है जो कि BMW में होनी चाहिए। अगर आप जैसे लद्दाख निकल रहे हो या टूरिंग के लिए निकल रहे हो तो वो क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसका क्रैश गार्ड जो कि बहुत ज़रूरी है और इतना चाहिए। कनेक्टिंग देख सकते हैं उसकी, आप इसका चेसिस से कनेक्ट है तो दोनों तरफ से लुक। इसका कलर इसमें मिलेंगे ब्लैक, सिल्वर और गाइस रेड आपके सामने। अब तक की सबसे हैवी फेवरेट लगा रखी है यहाँ पर प्रदेश में, और ये येलो और जो है व्हाइट कलर का रहता है। अगर आप जिसकी 1 से 1.5 साल की गारंटी मिल जाती है, इसमें चार्जिंग विदाउट चार्जिंग दोनों की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 स्लाइडर लगा रखे मेरे से, तो ये भी हम भूल गए। ये यहाँ पर लगा रखा है स्लाइडर जो कि एग्जॉस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। ये इसका टॉप बॉक्स आ गया, इसको रैप किया गया है बिल्कुल BMW वाले जो है इसमें कलर दिए गए जो कि पेंट नहीं है, ये रैपिंग है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टैंक पैड और थाई पैड का पूरा सेटअप। ये देखो इसका लो बीम और हाई बीम, वाइजर उसमें भी था लेकिन उसमें स्मोक ग्रे कर रखा था। एक वाइजर एक्सटेंडर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया। इसके अलावा क्रैश गार्ड आपने देखा था, रेड पर ब्लैक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लैक ही लगाने वाले हैं। बाकी अब GPS माउंट हो गया तो आप इसका अंदर स्पेस चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम है। दो क्वालिटी देखने मिल जाती है और आपको दिखा देता हूँ ये लो सिंको। अब यहाँ पर ये पता नहीं लगा आपको कि लगने के बाद कैसा लुक आता है। फिर ये वैरायटी आती है लोग एक्सट्रीम लेवल का हैवी पंची है, तो फोन पूरी तरीके से वाटरप्रूफ रहता है और इसमें काम भी करता है। वैसे तो काफी सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं BMW GS पर, और एक्सेसरीज की मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, इसमें काफी सारी एक्सेसरीज दिखाई थी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा दो बाइक्स जो कि फुल लोड है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर जिसका काम लास्ट टाइम हुआ था और इसमें काफी सारी चीजें एड ऑन हो चुकी जो कि BMW में होनी चाहिए। अगर आप जैसे लद्दाख निकल रहे हो या टूरिंग के लिए निकल रहे हो तो वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप चेक करो ये फुल लोड है, और इसको 2 दिन पहले काम किया गया था, कुछ काम इसमें रह गया था तो वो उसका आज किया गया है क्योंकि कल निकल रही है। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं इसका क्रैश गार्ड जो कि बहुत ज़रूरी है और इनफैक्ट बाइक में होना ही चाहिए। अगर आप लोगों के पास BMW है तो उसमें होना चाहिए। कनेक्टिंग देख सकते हैं उसकी, आप इसका चेसिस से कनेक्ट है और बिल्कुल जेन्युइन है और भाई कहीं नहीं आता। ये देखो भाई बहुत ही बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो ये क्रैश गार्ड हो गया, इसकी कनेक्टिंग यहाँ पर भी आप अगर आप यहाँ से दिखाओगे तो जिस तरीके से आपने उधर का देखा तो ये सेम इस साइड से भी है। ये देखो तो ये चेक कर सकते हो दोनों तरफ से लुक इसका, और बहुत ही ज़्यादा बल्कि आ जाता है भाई। ठीक है जी, तो क्रैश गार्ड की बात करूँ फिटिंग की, तो अगर आप पास से आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक कनेक्टिंग इसकी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, फिर आगे कनेक्ट है। तो इसी तरीके से चेसिस से कनेक्ट है तो मजबूती में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल पार्ट में है। कलर इसमें मिलेंगे ब्लैक, सिल्वर और गाइस रेड आपके सामने है। ब्लैक भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि एक अंदर और तैयार हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसे कवर कर लेते हैं। अब तक की सबसे हैवी फेवरेट लगा रखी है यहाँ पर, जिसका ये कुछ इस तरीके का स्विच आता है। ये देखो ये स्विच दिखाना, तो ये इस तरीके का आता है और इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप चेक करिए इसका लुक, इसका लुक कैसा आ रहा है यार। देखो है दो प्रोजेक्टर होते हैं इसमें, और ये येलो और जो है वाइट कलर का रहता है। अगर आपको येलो करना है तो आप यहाँ से देखो पास से। ये देखो तो येलो के लिए सिंपली आपको इसको इस तरीके से कर देना है, तो येलो ऊपर कर दोगे तो वाइट। ठीक है जी, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका इग्निशन ऑन करके। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर आते हो बैक साइड पे तो यहाँ पर GPS माउंट और मोबाइल होल्डर सिमटेक का, जिसकी 1 से 1.5 साल की गारंटी मिल जाती है। इसमें चार्जिंग विदाउट चार्जिंग दोनों के ऑप्शन आ जाते हैं। वाइजर देख सकते हो आप, स्मोक ग्रे कर रखा है इसको। इसका लुक बहुत ज़्यादा औसम आ रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा बल्कि आ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो 4 स्लाइडर लगा रखे, जिसका बेसिकली काम होता है मान लो कभी बाइक आपकी गिरती है तो आपके सस्पेंशन, आपकी डिस्प्लेट या मडगार्ड वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होता है, तो यही रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम इसका काम हुआ था, तो यहाँ आप देखो इसका समगार्ड लगा रखा है जो कि GS की ब्रांडिंग के साथ है और बहुत ही ज़बरदस्त है। रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है, ठीक है जी। शार्क विंड मडगार्ड लगा रखा है पीछे बैक साइड में, जो कि आपका जो मोनोशॉक आता है उसकी पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन रहती है, उसके ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ मिट्टी वगैरह इस जगह पर होल्ड रहती है तो वो नहीं होती। और एक यहाँ पर टायर हैगर भी लगा रखा है, ये देख सकते हो, ये भी BMW का ही है। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि थोड़ी बहुत गाड़ी चली है जिसकी वजह से गंदी है ये, तो मैंने इसको एज इट इज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर लगा रखा है स्लाइडर जो कि एग्जॉस्ट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पर ये साइड पैनल्स लगेंगे, इसलिए सैडल स्टेज लगा रखे हैं यहाँ पर दोनों तरफ से, देख सकते हो आप। और साइड पैनल्स के हटा रखे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर कौन से है। तो ये देख सकते हो आप दोनों तरफ से कनेक्टिंग है। ये इसका टॉप बॉक्स आ गया, इसको रैप किया गया है बिल्कुल BMW वाले जो है इसमें कलर दिए गए जो कि पेंट नहीं है, ये रैपिंग है। तो ये देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से लोगों पर कार्बन फिनिश है, और साइड में जो है दोनों तीनों कलर हैं इसके जो भी आते हैं। तो ये है साइड स्टैंड जैकेट, आप देख सकते हो यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों नीचे आप आओगे तो यहाँ पर जो हैंडल बार जो है ना, इसका काफ़ी लोगों को लगता है और जिन लोगों को ठीक लग रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है ये कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर आप ये हैंडल बार राइजर लगा सकते हो। MG के हैं ये, मैंने अपनी बाइक में लगा रखी है अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो ये यूनिवर्सल रहते हैं। ये देख सकते हो थोड़ा सा हैंडल बार आपका ऊंचा जाता है, राइड आपकी होती है कंफर्टेबल। अगर आप लोगों को और ज़्यादा कंफर्टेबल करना है तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन और भी हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टैंक पैड और थाई पैड का पूरा सेटअप है। और इसके अलावा दोस्तों बात कर रहा था मैं यहाँ पर इग्निशन ऑन करके फॉग लाइट दिखाने की, तो ये फॉग लाइट आप देख सकते हो, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। और उससे पहले यहाँ पर आप देखोगे ना
तो इसके आप ये क्लैंप्स चेक कर सकते हो, बहुत ही हैवी है, तो ये लगा रखिए जिससे किसी भी तरीके का वाइब्रेशन का इशू नहीं आएगा राइडिंग के दौरान। तो इसमें दो तरीके के बटन दे रहे होते हैं, जैसे पहला बटन रहता है जिसको आपने ऑन किया तो ये हो जाती है वाइट, क्योंकि ये इस तरीके से वर्क करता है, ये देखो। इसके अलावा ये देखो इसका लो बीम और हाई बीम, और जो ये वाला बटन है ये इसके फ्लैशर एक्टिवेट कर देता है, ये देखो गाइस। और इसमें लगा रखी है हार्नेस वायरिंग, और हार्नेस वायरिंग का यही काम रहता है कि किसी भी तरीके की वायरिंग से कोई आपकी छिड़खानी नहीं होगी, ना ही आपकी वायरिंग जलेगी ना फूकेगी, और जब आप चाहो उसको हटा भी सकते हो, खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है जी। तो बाइक की गारंटी वगैरह कुछ भी नहीं रहती, हार्नेस वायरिंग का कंप्लीट सेटअप यही रहता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो मास्टर सिलेंडर कैप लगा रखी है, ये देख सकते हैं आप, और हैजार्ड भी लगा रखा है। इसका स्विच यहाँ पर है, स्विच दिखाना एक बार जरा के, ये स्विच है इसका, इसको जितनी बार आप ऑन ऑफ करोगे उतनी बार इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से सामने आप देख सकते हो, ये देख सकते हो गाइस। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें लगा रखी है। तो ये तो हो गई एक BMW, मैं आपको एक और दिखाता हूँ शॉप के अंदर के वो कैसी तैयार हुई है दोस्त। तो गाइस एक तो आपने देखी ब्लू ब्यूटी, एक यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वाइजर लगा रखा है, वाइजर उसमें भी था लेकिन उसमें स्मोक ग्रे कर रखा था, एक वाइजर एक्सटेंडर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ जिन लोगों को लगवाना है तो उन लोगों के लिए ऑप्शन होता है, ये कुछ इस तरीके से लुक को भी एनहेंस करता है और जो वाइजर की जो हाइट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है, ये हो गया। इसके अलावा क्रैश गार्ड आपने देखा था रेड कलर का वाला, क्योंकि उसकी चेसी रेड थी, तो यहाँ पर ब्लैक है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लैक ही लगाने वाले हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई और कलर का लगाना हो तो आप देख सकते हो, थोड़ा दूर से दिखाना एक बार क्रैश गार्ड का लुक। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि GPS माउंट हो गया जो कि बहुत ही हैवी है, हैंड गार्ड लगा रहे हैं जिसकी भी आधी अधूरी फिटिंग है, और हैंड गार्ड लगने के बाद भाई जो लुक आता है बहुत ही अच्छा आता है, कि साइड का ये साइड का ये लो जी, तो ये लगेगा, प्रॉपर मेटल के होते हैं सब चीज़ें। और बैक साइड में आ जाओ आप, और बैक साइड में आप देखो यहाँ पर सैडल स्टे और टॉप रैक वगैरह जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि टॉप रैक इसका आता ही है, टॉप बॉक्स में इसकी फिटिंग आ जाती है। यहाँ पर लगेंगे आपके साइड पैनियर्स, ये लो जी, तो आप इसका अंदर स्पेस चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम है, दो पॉकेट इसमें मिल जाती है, ठीक है जी। वो आपने देखा था उसमें क्या कर रखा था, उसमें BMW वाला पूरी तरीके से लुक दे रखा था, क्योंकि उसमें ग्राफिक वगैरह कर रखे थे। इसका भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये लो जी, सिंगल पॉकेट प्रीमियम चीज़, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ना उसमें क्या था, वो बिल्कुल मैंने एक्सेसरीज दिखाई थी आपको, अब यहाँ पर ये पता नहीं लगा आपको कि लगने के बाद कैसा लुक आता है। तो जी आप ये देख लो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर टायर हैगर वगैरह हो गया, तो टायर हैगर की एक ये वैरायटी आती है और एक ये वाली आती है जो मैंने आपको दिखाई थी, तो ये बहुत ही हैवी है, जिन लोगों की एक्सट्रीम लेवल का हैवी पड़ती है तो बाकी नॉर्मल ये भी आती है, ये भी काफ़ी अच्छा है। BMW की ब्रांडिंग आपको सब में मिल जाएगी, और भी सब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इसमें आप देखोगे तो मोबाइल होल्डर है, सिंपल है, इसमें वायरलेस भी आता है, इससे फोन पूरी तरीके से वाटर प्रूफ रहता है और इसमें काम भी करता है, अब बाकी कलर कोई भी हो जो कॉम्बिनेशन चाहो वो बन जाएगा।